तो मोबाइल से दिन के 500 रुपये कैसे कमाए जा सकते हैं, तो उसी के बारे में आज बात करेंगे। तो दोस्तों मैं बता दूं कि बहुत ही आसानी से आप 500 रुपये दिन के कमा सकते हो। अगर और भी इससे ज़्यादा मेहनत करते हो, थोड़ा सा हार्ड और स्मार्ट वर्क करते हो, तो आप दिन के 500 से भी ज़्यादा कमा सकते हो। तो आज उसी के बारे में टोटल डिस्कस करेंगे, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम और आप देख रहे हैं आपका अपना आईटी इंजीनियर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों मैं बता दूँ, वी मीडिया एक वेबसाइट है जहाँ पर आप आर्टिकल वगैरह लिख सकते हो, यानी कि जैसे आप ब्लॉगिंग करते हो वैसे वी मीडिया एक यहाँ पर वेबसाइट है जिस पर आप आर्टिकल लिख सकते हो। और वहां पे जो आर्टिकल होंगे वो क्रिकेट या स्पोर्ट्स या पॉलिटिक्स, यानी कि किसी बहुत सारी आपको वहां पे कैटेगरी मिल जाएंगी। वहां पे आप आर्टिकल लिख के दिन का 500 100% कमा सकते हो। एंड दोस्तों क्या है इसमें कि एंड दोस्तों इस पे कई कंटेस्ट चलते रहते हैं जिसपे आप हिस्सा लेके या पार्टिसिपेट करके वहां पे और भी अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हो। तो बहुत ही बेटर प्लेटफॉर्म है, आप चाहो तो इसे ज्वाइन कर सकते हो। एंड दोस्तों सेकेंड है यूसी न्यूज का, तो आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। जी हाँ, ये बहुत ही ज्यादा जेन्युइन और ट्रस्टेड वेबसाइट है या एप्लीकेशन है। आप इस पे जाके आर्टिकल लिख सकते हो और इस पे आपको बहुत सारी कैटेगरी मिल जाएंगी। आप मोबाइल पे लिखना चाह रहे हो, स्पोर्ट्स पे, पॉलिटिक्स पे, डिबेट पे, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट, यानी किसी भी तरीके का, अगर आपके पास किसी भी तरीके का टैलेंट है तो यहाँ पे जाके आप एक बार रजिस्टर करो एप्लीकेशन में जाके। और जो अभी फ्री टाइम है उसमें कुछ लोगों कम से कम नॉलेज मिलेगी, स्किल बढ़ेगी। अगर अभी नहीं तो कुछ दिन बाद तो पैसे आने शुरू हो ही जाएंगे। तो पहले अपने आप को ट्रेन करो, नॉलेज लो, स्किल लो। एंड अगर आपके पास पहले से ये सारी चीज़ें हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपके दिन के 500 रुपये किसी ने भी नहीं मेटे, 100% बन जाएंगे। तो यूसी न्यूज़ पर भी जाके आप चाहो तो पैसे आ सकते हो। एंड दोस्तों यहाँ पे मैं थर्ड नंबर पे बात करूंगा ब्लॉगिंग के बारे में, जाना पहचाना है अपना गूगल का। तो अगर आप चाहो तो गूगल पे ब्लॉगिंग भी कर सकते हो। तो दोस्तों मैं बता दूं, यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं ओरिजिनल होनी चाहिए, कोई भी चीज कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। और आपको यहाँ पे पहले 25 से 30 आर्टिकल पहले लिखने होंगे और कम से कम 1000 वर्ड से ज्यादा हो, तब आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो और अपनी वेबसाइट या ब्लॉग पे ट्रैफिक ला सकते हो या वहाँ पे एड शो करा सकते हो, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा अर्निंग होगी। और ये एक ऐसी अर्निंग है जो कभी कम नहीं होती, हमेशा बढ़ती ही रहती है। तो आप चाहो तो ब्लॉगिंग भी कर सकते हो। और आप एंड दोस्तों अभी मैं बात करूंगा एफिलिएट मार्केटिंग के लिए। बेसिकली अभी क्या है कि अभी तो जितने भी एफिलिएटर हैं उनको पेमेंट या अर्निंग नहीं आ रही, क्योंकि जितने भी अमेजन या फ्लिपकार्ट की वेबसाइट्स हैं उन्होंने आउट ऑफ स्टॉक कर दिया है। या आप चाहो तो एफिलिएटर भी बन सकते हो। और अब बेसिकली हम लोग के पास सबके पास फेसबुक, इंस्टाग्राम सारी चीज़ें अकाउंट्स होते हैं और वहाँ पर प्रोडक्ट आप निकाल के शेयर कर सकते हो। और उस लिंक से आपको कमीशन जो मिलता है वो आपको बहुत ही अच्छा खासा होता है, यानी कोई प्रोडक्ट 20,000 का, कोई 50,000 का, कोई 1,00,000 का, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको वहां पे कमीशन मिलता है। आप वहां अमेजन एफिलिएट या फ्लिपकार्ट पे जाओगे तो वहां पे पूरी डिटेल आपको मेंशन मिल जाएगी कि किस पे कितना परसेंटेज मिलता है। दोस्तों मैं यहाँ पे बात करूँ लास्ट में जाना पहचाना, तो अपना यूट्यूब प्लेटफॉर्म एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, अगर आप चाहो तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। मानता हूँ कि सक्सेस थोड़ा सा लेट मिलती है, थोड़ा सा टाइम लगता है, और ये भी कोई ज़रूरी नहीं आपका पता नहीं कौन सा वीडियो वायरल हो जाए, कौन सी चीज़ें लोगों को पसंद आने लगे, और आप जो बता रहे हो उसमें कितनी रियलिटी है। एंड दोस्तों जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, जहाँ तक मुझे पता चला है अभी तक के मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, कि अगर आप चीज़ें ना एकदम जेन्युइन बताओगे, एकदम रियलिटी बताओगे, तो मतलब एजुकेशन से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो एजुकेशन के चैनल जो होते हैं वो थोड़ा सा कम ग्रो कर पाते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर चैनल्स। एंड अगर मैं बात करूं यहाँ पे रियलिटी की या सीधे सीधे चीज़ें बताओ ना, तो लोग थोड़ा सा देखना कम पसंद करते हैं। आप अगर बहुत हाई फाई चीज़ें बता रहे हो, बहुत बढ़ा चढ़ा के बता रहे हो, वादी उसमें 50% 20% फेक भी बता रहे हो, अच्छी सारी चीज़ें हैं ना, तो वो चैनल्स बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। आप अगर डाल दो अभी कि हाउ टू अर्न 1,00,000 रुपीज़ इन अ मंथ, तो आपको इतने सारे वीडियोज यूट्यूब की प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। कुछ भी, मेरे कहने का मतलब ना कि जब उल्टा सीधा चीज़ें मतलब एकदम सोच से भी बाहर चीज़ें करनी पड़ती हैं तो बहुत जल्दी लोग आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप सच्चाई से, रियलिटी से वीडियो बनाओगे तो उन लोगों को थोड़ा सा सक्सेस देर में मिलती है, लेकिन जब भी मिलती है तो एक अच्छी खासी मिलती है। एंड दोस्तों यहाँ पे एक मैं डायलॉग बताना चाहूँगा अक्षय कुमार का, खट्टा मीठा मूवी का, जहाँ पे वो जाते हैं कहते हैं रंगीला कि जो सीधे साधे लोग हैं उनका इस देश में कुछ नहीं हो सकता है, देशद्रोही हैं ये, गंदे काम करते हैं, वो सारी चीज़ें, वो सक्सेस हो जाते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा डायलॉग हो शायद आप लोगों को याद हो, अगर खट्टा मीठा मूवी नहीं देखी है तो अक्षय कुमार की अच्छी मूवी है, उसमें ये लास्ट में एक डायलॉग आता है कि जो सीधा साधा अच्छा इंसान है वो उसका इस देश में कुछ नहीं हो सकता। तो वही सारी चीज़ें आती हैं, आप चाहो तो फिर सक्सेस पाने के लिए कर सकते हो। तो बस यार दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन दे रहा होगा वहाँ पर क्लिक करें, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए ताकि अगर मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो वो मिस ना हो। मेरा
अदर वीडियोस आपको जो ऊपर देख रहे होंगे वहाँ पे क्लिक करके आप वीडियोस देख सकते हो, वो भी बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होंगे। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत एंड बी सेफ।